Hi, my name is Rishi. Hi, I'm Vidipta. Hi, I am Navdeep Badali. And आप सब हमें देख रहे हैं FIFA Plus में. Thank you. सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल. और टॉप 11 में आना बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात है, क्योंकि सभी के सभी कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और अपने अपने जॉनर में बिल्कुल परफेक्ट हैं. और काफ़ी खुशी हो रही है कि हम टॉप 11 में आ चुके हैं. आप बताइए कुछ. ठीक है, तो मतलब टॉप 11 तक की जो जर्नी हर एक कंटेस्टेंट की जो रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो शेड्यूल ही मतलब हमारा बिल्कुल अपने यहाँ से अगर हम बाहर होते हैं ना, तो वो यहाँ से बिल्कुल अलग है. यहाँ पे हम मतलब बिल्कुल मतलब म्यूज़िक सिर्फ हमारे इर्द गिर्द से म्यूज़िक ही और कुछ नहीं. और तो मतलब और वो चीज़ होनी भी चाहिए, बिकॉज़ अगर हम उस जोन में नहीं रहेंगे, म्यूज़िक के जोन में, तो फिर हम शायद इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बाकियों के लिए, जो कि बहुत सारे लोग होंगे जिनका सपना होता है इंडियन आइडल में अभी भी आने का. वो हम सबको देख के, सारे कंटेस्टेंट्स को देख के इंस्पायर होते हैं कि नेक्स्ट सीजन हम भी ट्राई करेंगे इंडियन आइडल में. तो हम अगर उनके लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, तो हमारे तरफ से तो एक ही मैसेज है कि आप जितना म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड हो और इस स्टेज की जितनी आप रिस्पेक्ट करते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इसमें. तो दिस इज अ वेरी आगे आप बोली. हाँ वही, मतलब जो आपने बोला वही, मतलब डेडिकेशन 100% होना चाहिए बस एकदम. सॉरी, विनीत भैया ऐसे ऐसे कर रहे. विनीत होता ना तो बोलने भी नहीं देता भैया. हाँ, नवदीप की तरह से मैं बोलना चाहूँगा. पूरा जर्नी एकदम बहुत मेमोरेबल रही है अभी तक का, और ऑब्वियसली बात का भी रहेगा, क्योंकि मतलब यहाँ के मतलब ग्रूमर्स जो है, सबके साथ कंडीशन तो है, बस ग्रूमर्स है जो हमारे टीम से है, प्रोडक्शन टीम से, सबके साथ इतना अच्छा एक बॉन्डिंग हो गया है ना. मतलब सोचते हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, मतलब इसके बाद मतलब जाएंगे कैसे. मतलब आइडल को चूँकि एक घर जैसा बन गया, मतलब एक शेड्यूल बन गया कि हाँ अभी शूट है, अभी रिहर्सल है, तो इसके बाद यही चाहते हैं कि वक्त कभी खत्म ही चलता ही जाए, चलता ही जाए. ऐसे लगता ही नहीं है कि हम 3-4 महीनों से अपने घर से दूर हुए हैं, ऐसे लगता है कि हम बचपन से इकट्ठे ही पले बड़े हैं, और ये और एक फैमिली बन गया है, फैमिली बन गई है एक साथ. ये ट्रायल की बात करो तो काफी फन लविंग ट्रायल है, बहुत बहुत फन लविंग है. मैम बहुत ज़्यादा. मैं आपको चीज़ें शेयर करता हूँ, जब हम सेट में बैठे रहते हैं ना, तो ये और मैं मतलब विदिप्ता और मैं एज अ टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं. हाँ, सभी बोलते हैं टॉम एंड जेरी. अभी आ जाओ, मतलब ये बहुत बहुत चिल्लाती है और नहीं मतलब और मेरे हिस्से का भी खाना खाती है. आपको और भी बोल दो सब. उसके हिस्से का पानी आप पीते हो. हाँ, ये खुद का बॉटल कभी कैरी नहीं करता है, हर टाइम मेरे बॉटल से पानी पीता है. और जब मैं इसके वो डब्बे थोड़ा सा खाती हूँ, तो ऐसे बोलता है कि सारा खा लिया. थोड़ा सा खा ही तो सकता है ना, तुम मेरे बॉटल से पानी जो पीते हो. वो लड़ते हैं, हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है इनके पीछे होता है, जैसे यहाँ भी बैठे, यहाँ भी ये बैठे होते, बड़ा मजा आता है इन दोनों को देख ऐसे पूरा मतलब और बाकी बॉन्डिंग तो सबकी एक दूसरे से बहुत अच्छी है, और सबके मतलब कॉम्पिटेटिव वे में नहीं रहते हैं, बस सब इतना अच्छा गाते हैं और गाते रहें, बस हम तो यही चाहते हैं. और म्यूजिक को जस्टिस मिले यहाँ पे स्टेज में, और कुछ नहीं. एकदम एकदम. सबसे पहले बोलना चाहेंगे नेहा मैम के बारे में. शी सच अ स्वीट पर्सन, ओ माई गॉड, लाइक उनके तरह मतलब क्या बोले, और इतना डाउन टू अर्थ उनके तरह कोई नहीं है लगता है. जब भी कुछ होता है, मतलब जब भी पता है, एक होता है कि किसी ने थोड़ा सा आज मतलब अच्छा नहीं गाया, तो वो खुद आ जाते हैं बोलने के लिए कि अभी ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं, वो खुद आके समझाते हैं. मतलब आप सोच सकते हो, मतलब खुद के एग्जांपल्स देके वो मतलब जजेस है ना अपने इंडियन आइडल, सभी विशाल सर इनकरेज देते हैं बच्चे को, मतलब एक प्रेशर नहीं देते कि अगर यहाँ पे खड़े हो तो ऐसे गाना है, मतलब इनकरेजमेंट बहुत ज्यादा देते हैं. उनके सामने गाना गाते तो लगता नहीं कि मतलब उनके सामने गा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि मतलब हाँ गा रहे हैं, तो ऐसा एक फ्रीनेस होता है. अगर
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने वो परफॉर्मेंस को पसंद किया, और मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बिकॉज मैं खुद चाहता था, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब, मतलब हम अगर प्रोडक्शन टीम के साथ बात करते हैं कभी, तो हमें लगता है कि आप प्लीज़ बुलाओ ना उन बच्चों को, इतने अच्छा किया था उन्होंने सुपरस्टार सिंगर सीज़न टू, मतलब पार दिया था उन्होंने, तो मतलब उनके साथ हम अगर हमें गाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम पूछते सुनते, तो एकदम से वो मौका आ गया और हमने गा भी दिया, आपने पसंद भी कर लिया, तो मतलब ये टाइम इतनी जल्दी बीत गया ना, तो अब जल्दी जल्दी हाँ, और हम खुद चाहते हैं कि आगे भी मतलब ये मौका हमें मिले ताकि हम फिर से परफॉर्म करना चाहते हैं उनके साथ। ऑब्वियसली दरअसल टाइम ही बहुत कंजस्टेड सा है कि मतलब यहाँ से शूट, शूट से रिहर्सल से शूट, शूट से हम मतलब तो खुद का एपिसोड भी मतलब कभी कभी देखते हैं क्योंकि टाइम की एडजस्टमेंट नहीं होती बहुत ज़्यादा। हमारी तरफ से तो यही मैसेज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर एक कंटेस्टेंट के लिए यही है कि आप वोट करना ना भूलिए हम सबके लिए, आप सबका प्यार ही है जो हमें और आगे लेके जाएगा, तो हमें हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहिए, और एवरी सैटरडे संडे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोट्स रात 8 बजे सोनी टीवी पर आइडल देखना मत भूलिए, और सिर्फ सोनी टीवी पर रात 8 बजे से लेके एवरी सैटरडे संडे संडे।